या फिर खाना ऐसे आता है बजर से। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं सिंगापुर। हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल में सिंगापुर में, और यहाँ से आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। इट्स रेनिंग हियर और वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो आउट, सो लेट्स गो। तो यहाँ पे वेज ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ का नॉन वेज भी बहुत अलग होता है। सो हम लोग कुछ हल्का सा ब्रेड बन ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ही फेमस बेकरी है, वहाँ पर हम आ गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ब्रेड्स की वैरायटी है, केक्स है, और $1 and $2 में काफ़ी अच्छे प्राइस में है। सो अगर आप यहाँ आते हो तो डू विज़िट दिस बेकरी। सो यहाँ पे हम लोग दो वॉफल ले रहे हैं, एक चॉकलेट आलमंड और एक चॉकलेट ब्लूबेरी। हर जगह पे आपको ऐसे ओपन फूड कोर्ट्स दिखेंगे जहाँ पे सिर्फ नॉन वेज खाना ही मिलता है। सो वेज के लिए अभी हम लोग यहाँ पे कोई मॉल है वहाँ पर जा रहे हैं। ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे आपको एक बज़र मिलता है, जो बज़र बजने पर आपकी ऑर्डर आ जाती है। सो अवर ऑर्डर इज़ रेडी, और ये है काया टोस्ट। यहाँ का फेमस काया एक जैम होता है, वो है ये। हम ये मॉल थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमारा प्लान बन चुका है शाम को गार्डन्स बाय बी देखने के लिए। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लाइट शो होता है जो इवनिंग के 7:45 पे होता है। सो फाइनली हम यहाँ पे मेट्रो से गार्डन्स बाय द बी पहुँच चुके हैं।
यहाँ पे भीड़ होना चालू हो चुकी है लाइट शो के लिए। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी आए हैं और अभी 45 मिनट्स बाकी है। सो लेट्स सी। Is brought to you by Gardens by the Bay, and we hope that you have enjoyed the show. Wow, ये शो वाकई में बहुत अमेजिंग था और एंड इट इज़ लाइक वन टाइम वॉच. सो दिस वॉज गार्डन्स बाय बे. ये सिंगापुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ पे जाने के लिए यू कैन गो देयर. यहाँ पे टिकट है कुछ, बट अभी आई थिंक इट इज़ क्लोज्ड ऑलरेडी. हम लोग जा रहे हैं वापस होटल में और मीनवाइल हम लोग कुछ खाने के लिए भी देख लेंगे. यहाँ पर एक इंडियन शॉप है जहाँ पे आप पराठा, डोसा एंड राइस वगैरह मिलते हैं. तो हमने ले लिया है फ्राइड राइस और यहाँ पे पानी नहीं मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, और कहीं भी पानी नहीं मिलता है ज़्यादातर. यहाँ पे बाहर ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जूस नहीं बराबर है, सो वी आर ट्राइंग दैट. यहीं पे एक फ्रूट मार्केट है, यहाँ पे जहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स होती है वहीं पे फ्रूट मार्केट्स भी होते हैं और बहुत वैरायटी के फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं. एंड दिस आर द मैंगोस. सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो. देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.